थैंक यू चेयरमैन मैडम। मैं आज मेरी वेदना प्रकाशित करता हूं। पहले जिस ढंग से पार्लियामेंट चल रहा है वो बायस नहीं होना चाहिए, सो दैट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फर्स्ट। एक सेंटेंस में समझ जाना चाहिए। पहली तो बात, लेट मी हार्टिली कॉन्ग्रेचुलेट श्री शोभना जी, हिज एंटायर टीम ऑफ इसरो, द साइंटिस्ट एंड ऑल दोज एंसिलरीज who were supporting the functioning of the or launching of this satellite. There was BSNL also. Let it be very clear from this also. And therefore, I heartily congratulate on behalf of my party, my leader, Uddhavji Thackeray, and millions of followers too, of him. Madam, you, every one of us know that the Vikram Sarabhai, during the regime of Nehru, who thought of a space research, an Indian committee on space research was formed during the regime of the Pandit Nehru ji. मुझे इतना ही बहुत बताना है कि उतना सब होने के बाद में आज भी हम 75 साल में क्या हुआ, ये हमारा डायलॉग है रोज का। अब पता चला होगा आज तो 75 साल में क्या हुआ। 60 साल पूर्व इसरो के फंक्शन बनाया गया। अब इसरो बनने के बाद में आज इस जो मंजिल हमने पाई है उसकी सराहना 140 करोड़ जनता तो करती है, पूरी दुनिया कर रही है और उसका हमें प्राइड है। इट्स अ रियली प्राइड मोमेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस इन द कंट्री। उसमें और एक बताता हूं कि कितनी छोटी बातें कैसी होती है मैडम, कि जब से यह चल रहा है संशोधन, तो एक चेन्नई के एक साइंटिस्ट जो कुछ साइंटिस्ट है उसका नेम है चेन्नई बेस्ड एम्यूचुअर स्पेस एंथुजियास्टिस्ट नेम शनबुगा सुब्रमण्यम, स्किल्ड इन इमेज एनालिसिस, आइडेंटिफाइड द लोकेशन फॉर लैंडर डेब्रिस एंड नासा लेटर कंफर्म्ड इट। वो जो डेब्रिस गिरा था वो एक कोई इसरो का नहीं है, वो स्पेस का ऐसा ही उसका संशोधन करता है। इतना मतलब लोगों के रगों में गया कि जो कुछ हो रहा है उसमें लोग भी पार्टिसिपेट करने लगे हैं, तो उसकी सराहना जितनी करी उतनी कम होगी। मैडम, यू एवरी वन ऑफ नो दैट अभी आदित्य भी है, कुछ लोगों को आदित्य नाम से भी डर लगता है आजकल, पता नहीं है, लेकिन हमारे ये अच्छा हुआ कि आदित्य एल जी वहां गए हैं। वो आदित्य एल जो इमेजेस बनाता है उसमें VLCC करके विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफी एंड सूट सोलर अल्ट्रावेट मैनेजर, ये सोलर वाले जो सूट बनाते हैं SUIT इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स इज डन बाय पुणे इंस्टीट्यूट। तो दिस इज एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑन ऑल दिस थिंग्स। आई मीन दी अब इस जब मैं विक्रम साराभाई जी की बात कर रहा हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इज एंड द कोलाबो ऑब्जर्वेटरी इज इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट इज इन मुंबई। आज मुझे उनकी याद आती है, अब्दुल कलाम जी की और खास करके इंदिरा गांधी जी की। जब राकेश शर्मा जी गए थे तो वो एक फोन पे बात हुई और राकेश शर्मा जी से पूछा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, हमारा हिंदुस्तान कैसे दिखता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, आज दुनिया में सबको पता चला कि हिंदुस्तान छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है। चांद पे गया, अब सूरज को भी उसकी भी जान ले, उसकी भी रिसर्च करने के लिए संशोधन करने के लिए हमारा ऑर्बिट लैंडर उधर बड़ा खड़ा है, वह आदित्य एल लैंडर ऑर्बिट में खड़ा है। अब आज सुबह जो बातें हुई उससे थोड़ा सा स्पर्श करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे से हाथ जुड़े हुए, सही है। धर्म किसको कहे, ये बात आती है मन में कि जब हम सावरकर जी की बात करते हैं तो उन्होंने खास करके धर्म के बारे में व्याख्या की है। धर्म क्या है, हिंदू नाम कैसे गिरा, सिंधु से हिंदू कैसे हुए, तो ये सारा जो है अभी हमारे सारंगी जी बताए सही है, हजारों वर्ष से हमारे पास आया है, हजारों वर्षों से है। हमारे तुकाराम संत तुकाराम जी का एक अभंग है, अणु रेणु या तोकड़ा तुका आकाशा एवड़ा, मराठी में अणु इट्स एन एटम, रेणु, सो ऑल दोस थिंग्स हैव बीन देयर इन अवर आई कैन से एपिक्स इन अवर ग्रंथाज इन योर ऑल दोस अभंगाज इट इज एग्जिस्टिंग। लेकिन इसमें एक बड़ी बात आपने कही, उसका खास करके आपको धन्यवाद देता हूं। हम बड़े दिल के लोग हैं, कोई छोटा से है तो उससे क्या ध्यान देना है,
हम जहर को हमने फैलाना चाहिए, हम जहर को फैलाना चाहते हैं वो अच्छी बात नहीं मुझे लगती। संस्कृति, परंपरा और श्रद्धा, ये श्रद्धा जो बात है, श्रद्धा क्या है, हर एक की श्रद्धा अलग अलग होती है, दो मिनट में खत्म करता हूं। हर एक की श्रद्धा अलग अलग होती है। हमारे हिंदू मंदिर में जाता है तो भी हिंदू है, नहीं जाता तो भी हिंदू है, पूजा करता है तो भी हिंदू है, भगवान को नहीं मानता तो भी हिंदू ही है। यही तो बड़प्पन है अपने, हम परिवर्तनीय हैं। हमारे प्रबोधनकार ठाकरे जी, जो हमारे बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी रहे, शाहू फुले अम्बेडकर जी, ये सारे परिवर्तनीय थे। इसलिए तो धर्म में जो परिवर्तन आया बड़ा स्वागतपूर्ण है। और अब जब हम, इसलिए मैंने सावरकर जी का जरा सा जिक्र किया, ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, कि इसको लेकर हम राजनीति खेल रहे वो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। आज हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं। अब चंद्रमा की जब बात करते हैं तो मैंने अभी एक बात कही और दूसरी बात और भी करना चाहता हूं कि उन्होंने सुबह एक बात कही कि वहां भूस्खलन हुआ और भूस्खलन में जो बचे उन लोगों ने बद्री विशाल की जय कहा। अच्छी बात है, भगवान के ऊपर श्रद्धा है उनकी, लेकिन जो मर गए उनका क्या करे, वो किस पर श्रद्धा जताए, किसको बुरा कहे। तो इसलिए हमारा धर्म समझने की कोशिश करने की आवश्यकता है। टेम्परामेंट एंड साइंटिस्ट वो जो बात है वो ज्यादा स्वागत ही है, मान लिया उसको। और मैं चाहता हूं कि जिस ढंग से चंद्रमा पर हम गए हैं और सूरज की हम संशोधन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता हमारा इसरो और देर करेगा। एक दिन आएगा जब चंद्रमा पर हिंदुस्तानी उतर कर आएगा और तिरंगा मशीन, तिरंगा रोवर, एक सेकंड वाक्य तो पूरा करने दो, तिरंगा रोवर नहीं फैलाएगा, तिरंगा हिंदुस्तानी फैलाएगा। और वही सावरकर जी को हिंदुस्तानी वाक्य जब बड़ा अच्छा लगता था। मैं आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।